बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, क्योंकि हम कंडक्टर को कैपेसिटर के अंदर यूज करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें मालूम है कि अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब को बीच में रख दिया, ये भरा हुआ है लोहे से, मान लो कंडक्टर से, तो इसके अंदर ई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, ना तो कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है, ना कंडक्टर के अंदर ई होता है। ये दो प्रॉपर्टीज पता है, कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है। तीसरी प्रॉपर्टी भी लास्ट टाइम बताई थी, तुम कंडक्टर की सरफेस पे या वी की वैल्यू जहां मर्जी निकाल लो, वी की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया आपकी बुक्स में कुछ ऐसे, हालांकि ये प्रॉपर्टी और रिजल्ट आपको मालूम है, पर ये जो बताने जा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। सपोज करो आपके पास ये दो प्लेट्स हैं और इस प्लेट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ है, प्लस एंड माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया यहां तक? मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू कितनी है, 10। मैग्नीट्यूड इसका 10 है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर हो गया? आपने क्या किया, इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। ये एक कंडक्टर है, तो ये एक कंडक्टर है, तो आपने कंडक्टिंग स्लैब रख दी। हुआ क्या, इसमें इंडक्शन हो गई। अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू था, बाय इंडक्शन इसके ऊपर बाउंड्री पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस क्यू, और सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे चले गए और यहां पे डेफिशिएंसी आ गई, प्लस क्यू। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्योंकि बाय इंडक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया 10, जिसकी वैल्यू 10 है, कहां पर, टुवर्ड्स राइट। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ वो इसके अंदर भी डेवलप हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव। कोई बताएगा, अगर बाहर की वैल्यू 10 है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड में 10? ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू और माइनस क्यू की वजह से था, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यू और माइनस क्यू की वजह, चार्ज चेंज तो हुआ नहीं, तो मैग्नीट्यूड इसको ऐसे बोलते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब है इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो गया, 10। अब इसका मतलब अगर मैं कोई भी पॉइंट कंडक्टर के अंदर लेता हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू इस पर डेवलप कर रहा है, 10, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितनी वैल्यू डेवलप कर रहा है, 10, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 0। कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो एक्सप्लेनेशन है, वैसे तो हमने रिजल्ट याद किया हुआ है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 आता है, पर एक बेटर एक्सप्लेनेशन है कि बाहर जितना फील्ड डेवलप होगा इंडक्शन की वजह से, उतना ही ऑपोजिट डेवलप होगा, और आपस में कैंसिल होने की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो जाएगा, 0। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लिखी हुई है, जिस बुक से लिया, डायग्राम सही नहीं है, क्योंकि चार्जेस अंदर नहीं, चार्जेस बाहर करो, ये काटा मारो, माइनस यहां और प्लस यहां नहीं होगा, बाउंड्री पे बनाओ, आउटर तरफ बनाओ, बाहर की तरफ बनाओ, यहां पे प्लस और माइनस यहां बनाओ, ये माइनस ऐसे बनाओ, इसको काट दो, ये काट दो, ऐसे बनाओ, ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के बाउंड्री के ऊपर चार्ज होता है। तो देखो ये लिख दिया इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, अगर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री पे ही बाहर निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा कंडक्टर के साथ, 90 डिग्री पे होगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे ही बाहर निकलता है, क्योंकि डीआर और ई में हमेशा एंगल 90 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा।
और जितना भी उसके ऊपर एक्सेस चार्ज होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा, अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये भी प्रॉपर्टी की हुई है। नेक्स्ट है, किसी भी कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल बोला जा सकता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ई तो जीरो होता है, तो कंडक्टर के अंदर कहीं भी जाएंगे वी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, जितनी सरफेस पे उतनी अंदर होगी। क्लियर है यहां तक? ये प्रॉपर्टी भी आती है, और ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी की हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के टॉपिक में। किसी भी कंडक्टर के नियर बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। एन कैप का मतलब एरिया वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्लियर है, ये फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्लियर है। और लास्ट भी, अगर मान लो किसी भी कंडक्टर के अंदर कैविटी है, चार्ज कंडक्टर के अंदर स्पेस है, वहां पर ई हमेशा क्या रहेगा, जीरो, और वी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें? ये प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी हमने की हुई है।